हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। जो पे यहाँ पे बहुत सारी, आपको पता है मैं बहुत सारे टेस्टिमनीज वीडियोस लेके आते रहता हूँ हमारी इंडियन हाउसवाइफ्स के साथ कि कैसे वो इस बिजनेस को इतना धमाकेदार तरीके से कर रहे हैं। वन मोर थिंग, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अमेजिंग कॉन्टेंट अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स, टेस्टिमनीज और मार्केटिंग प्लान रिगार्डिंग सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती जाएगी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमारे सामने एक गेस्ट हैं, इन्होंने ना लास्ट मंथ फ्रंट में 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के 14 सीसी का बिजनेस निकाला है। सोचिए, एक अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं, इन्होंने 7 सीसी का बिजनेस, मतलब 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के 14 सीसी का बिजनेस एक महीने में निकाल दिया, और इनको अभी ज्वाइन करे शायद 2-3 महीने हुए हैं। ऐसा क्या माइंडसेट है, किस तरह से ये कर पा रहे हैं, चलिए इन्हीं से ही पूछते हैं। तो ओवर टू यू प्रिया जी, बताइए क्या आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अलोंग विद दैट, प्रिया केसरी का यूट्यूब चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं कि किस टाइप की ये वीडियो बना रहे हैं। अलोंग विद दैट, कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा। अगर इनकी स्टोरी आपको अच्छी लगती है, डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो ओवर टू यू प्रिया, बताइए कैसे आप कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक महीने में 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर फ्रंट में बना के, इतनी अच्छा नेटवर्क बना के 14 सीसी का बिजनेस अप्रोक्स 70-80 हज़ार रुपए पहले महीने ही कमा के, कैसा लग रहा है आप? थैंक यू सर, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक मतलब मिर्जापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप सिटी नहीं है, लेकिन मतलब मैं कभी सोच भी नहीं पाई थी कि मैं यूट्यूबर बन पाऊंगी। और नेटवर्क मार्केटिंग से जैसे सबका परसेप्शन होता है, मैं जब इस बिजनेस में आने वाली थी और मुझे पता चला था कि फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग है, तो मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, वो मना कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने TLF के सिस्टम को सर्च किया और भी यूट्यूब से मैंने वीडियोज देखे, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। किसी को हमें अप्रोच नहीं करना है, कन्विंस नहीं करना, कॉल और डीएम पे वर्क नहीं करना है। तो फिर मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं 2 सीसी करती हूँ, एक बार मुझे रिस्क लेती हूँ क्या होता है, मतलब मुझे प्रोडक्ट ही तो मिल रहे हैं उसके बदले। तो ये माइंड सेट मेरा रहा है कि मुझे इस बिजनेस में आना और इस बिजनेस को करना है। और फिर तब मतलब मैं और भी सर्च कर मतलब की थी यूट्यूब चैनल पे, तो फिर मैंने और भी वीडियोस देखे, तो मुझे इसका सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे यूट्यूबर बनने का भी चांस मिल रहा है, मतलब अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही है। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना ही करना है, मतलब TLF के साथ फॉरएवर करना है। तो सर मैं इस तरह से इस बिजनेस में आई। तो बहुत बढ़िया, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपको एक यूट्यूबर बनना था हमेशा, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके आप एक यूट्यूबर बन रहे हैं, तो अभी घर का माहौल कैसा है कि आप मतलब आपके जो मदर इन लॉज हैं या फिर तो आपका जो हस्बैंड है, आपके जो बच्चे हैं, वो किस तरह से आपको देखते हैं अभी? सर पहले तो वो लोग का यही था कि कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारे चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन देखेगा। लेकिन जब से मतलब मुझे कॉल भी आने लगे थ्रू यूट्यूब, और फिर मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सब कुछ मेंटोर के गाइडेंस बहुत अच्छे से मिले हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ TLF क्रिएटर का और आपका और सारे मेंटोर का, जो मुझे इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिए ताकि मेरे यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर रही है, और फिर मेरे घर वाले भी अब हैप्पी है क्योंकि मेरी अर्निंग हो रही है यहाँ से। और फिर मतलब मेरे पास डायरेक्ट लीड आ रही है और वो बोल रही है कि मुझे मैम आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ एक सिंपल मतलब साधारण प्रिया केसरी से मैम बन गई, तो वो भी एक अलग ही मतलब हैप्पीनेस है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब जिंदगी में आपको कभी किसी ने मैम नहीं बोला था, यहाँ पे जब अब से आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लोग मैम बोलने लगे डायरेक्ट आपको? यस सर, मतलब मैंने MCA किया हुआ है, तो वहाँ पे मतलब जूनियर जो थे वो मैम कहते थे, लेकिन यहाँ पे जब मतलब ये है कि मैम मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और वहां से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, वो अलग ही एक्साइटमेंट है, उसका लेवल ही अलग है बिल्कुल। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जब TLF क्रिएटर में, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इतना कुछ अचीव कर पाऊंगी, मतलब अर्निंग भी हो रही है और ब्रांड भी बन रहा है, तो मैंने ये चीज बिल्कुल इमेजिन नहीं की थी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सो जैसे कि आप हमें बताया कि लास्ट मंथ आपने 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाए, मतलब अप्रोक्स 14 सीसी का बिजनेस आपने किया है, और उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ लीड्स पे कितना खर्चा किया आपने, कितने कॉल्स किए और कितना माथापच्ची करी इस 14 सीसी को निकालने के लिए, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। सर 14 सीसी को निकालने के लिए मुझे दिन में सिर्फ 2 घंटे टाइम देने पड़े, 1 घंटे मैं चीजों को सीखने के लिए और 1 घंटे सिर्फ वीडियो बना के डालने के लिए, कोई कॉल और DM नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो फिर मेरे मतलब मैंने अपना लिंक प्रमोट किया है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट वहां से ही ऑटोमेशन ज्वाइनिंग कर ली, कि और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम मुझे पता है
फॉरएवर में टूथ इजी करने होते हैं और मैंने आईडी बना ली है, आप बताओ मुझे अब आगे कैसे टूथ इजी करने हैं। तो फिर इस तरह से मेरे साथ हुआ और मैंने मतलब फ्रंट में अपने 7 ईयर्स बनाए। तो मतलब अभी आप बोल रहे हो कि आपको इतनी हाई क्वालिटी लीड्स मिल रही हैं कि उनको ऑलरेडी पता है फॉरएवर क्या है, उनको ऑलरेडी पता है आपके ही कंटेंट देख के, आपके कंटेंट, आपके डिजिटल अवतार वाले कंटेंट्स को देख के उन्होंने पता चल गया पहले कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में 2CC भी करनी होती है, और वो ऑलरेडी बस सब रजिस्ट्रेशन करके आपके पास आ रहे हैं कि अब बताइए क्या करना है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अब आपके 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आपके डायरेक्ट में आ गए, तो अब आप उनको गाइड कैसे करेंगे? मतलब कैसे गाइड करना करेंगे आपको, क्या TLF पेटर का क्या सिस्टम आपको मिला है सो दैट आप उनको गाइड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 7 लोगों को गाइड करना बीइंग अ हाउसवाइफ इजी नहीं होगा, तो कैसे करेंगे फिर आप? सर हमारे TLF सिस्टम का एक मतलब इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ पे इस कम्युनिटी का कि हमें किसी को पर्सनली गाइड करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग का रात को 10 बजे का ग्रुप डिस्कशन होता है और हम लोग को कजावी एक्सेस मिलते हैं और बिजनेस ऑटोमेशन फनल मिलता है जिसके थ्रू लीड भी कैप्चर होते हैं और फॉलो अप भी उनको बैकेंड पे चलता रहता है, हमें फॉलो अप भी नहीं लेना पड़ता, मतलब सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है। हमें सिर्फ अपना कॉन्टेंट क्रिएट करना है और यूट्यूब पे मतलब प्रमोट करना है अपने फनल को और अपना कॉन्टेंट डालना है और बाकी सब कुछ ऑटोमेशन पे हो रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे मतलब ससुराल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एक बेटा है 4 ईयर का है तो फिर उसके भी स्कूल रहते हैं और उसे भी देखना रहता है, तो सब कुछ करते हुए मैं मतलब सोच नहीं पाई थी कि इतना इजिली मैं अर्निंग भी कर पाऊंगी और अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी कर पाऊंगी सर। तो फिर मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना कुछ वो भी इतना जल्दी अचीव कर पाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा इस सिस्टम के साथ मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप बोल रहे हैं, अच्छा एक चीज लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है आपको लीड्स को खरीदने के लिए? क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, अगर ऑनलाइन करना भी होता तो खूब सारी लीड्स खरीदनी पड़ती हैं, है ना, फिर उनको कॉल करना पड़ता है। तो कितने रुपए की लीड अभी तक आपने खरीदी है? सर 0 रुपीज की। यार मजाक कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। सर मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने लीड पे 1 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं क्योंकि लीड, और ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं फंक्शन में बिजी रही हूँ और लीड मुझे फॉलो अप किए हैं कि मैम रिप्लाई कर दो कि क्या करना है आगे, तो इस तरह से भी मेरे साथ हुआ है। तो सर लीड पे तो कोई खर्च है ही नहीं और जो भी मैंने 2CC किया है तो उसके भी तो मुझे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले हैं जिसका मुझे काफी बेनिफिट भी मिला है उस प्रोडक्ट का, और मैं प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूँ और 1 रुपए खर्च भी नहीं कर रही हूँ और अर्निंग भी कर रही हूँ। तो सर बहुत अमेजिंग सिस्टम है, मुझे लगे नहीं था कि ये MLM इस तरह से भी किया जा सकता है। तो अभी आपको लगता है वैसे आप हमारे TLF के साथ MLM ही कर रहे हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे नेगेटिव बिजनेस माना जाता है कि अरे इससे नेगेटिव तो कोई बिजनेस ही नहीं होता है, फॉरएवर से बेकार तो कोई चीज ही नहीं है, लोग मार्केट में बहुत कहते हैं, तो आपको लगता है आप फॉरएवर कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और ही टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगता है आपको? सर जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है कि हम अपना स्टोर ओपन करके मतलब बैठे हुए हैं वहाँ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि हमें बैठना भी नहीं है, सिर्फ अपना कॉन्टेंट क्रिएट करना है और वो वीडियो बैठते हम स्टोर पे तो सिर्फ 8 घंटे 9 घंटे देते हैं, लेकिन हमारा कॉन्टेंट तो 24 आवर्स चल रहा है। तो इतना अच्छा TLF सिस्टम है मतलब कि वहाँ भी हमें डिजिटल एसेट तैयार हो रहा है मेरा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ भी ना ट्रेनिंग पे खर्चा ना ही लीड्स पे खर्चा, सब कुछ 0 चार्ज पे सब कुछ मिल रहा है और ऑनलाइन स्टोर भी ओपन कराया गया है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ TLF क्रिएटर के साथ। तो आपके घर में कितने यूट्यूबर्स हैं अभी तक? सर अभी तक कोई नहीं है, मैं अपने घर के फर्स्ट यूट्यूबर हूँ और मैं बहुत इस चीज के लिए प्राउड फील करती हूँ और मेरा बेटा भी मतलब मुझे कहता है हेलो एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल, ओके ओके, तो इस तरह से मेरा बेटा भी बोलता है। तो मतलब आप अपने बेटे की प्राउड मदर, प्राउड यूट्यूबर मदर बन चुके हैं अभी आप? यस सर, क्योंकि मेरे घर में अभी किसी ने यूट्यूब चैनल मतलब ओपन नहीं किया है और मुझे नहीं लगता है कि अभी और कोई इस तरह से सोच भी सकता है कि ऐसा कर लेंगे, और मैंने घर में अभी किसी को बताया भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी वीडियोस उनके सामने खुद आई है और उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि कैसे यूट्यूब पे वीडियोज बना रही हो, तो इस तरह से मेरे साथ हुआ है और आउट ऑफ कंट्री भी मेरी वीडियो गई हुई है तो वहां से भी मुझे लीड आई है। कौन कौन सी कंट्रीज में गई है आपकी आउट ऑफ इंडिया? सर जैसे शो करता है ना कि मतलब मेरा चैनल कहाँ कहाँ गया है, तो उसमें पाकिस्तान शो किया है और साउथ अरेबिया शो किया है, 2 कंट्रीज शो किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब और वहाँ से कॉन्टेक्ट भी हुआ है, मतलब यूपी में बैठ के, यूपी में छोटी जगह कहाँ पता है, मिर्जापुर से पाकिस्तान तक पहुंच गए, दुबई तक पहुंच गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिये यही है पावर ऑनलाइन की, यही है पावर यूट्यूब की, यही है पावर पर्सनल ब्रांडिंग की। सो ये थी प्रिया केसरी हमारे सामने, जिन्होंने लास्ट मंथ 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में बना के 14 CC का बिजनेस किया है।
अमेजिंग कंटेंट ये बना रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनसे कोई आपसे क्वेश्चन आंसर आपको पूछने, कोई भी टाइप की क्वेरी है आपकी या फिर कुछ भी आपको रिगार्डिंग बिजनेस पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इनका पॉपअप हो ही रहा है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहते हैं कि हम किस तरह से ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, ये ऑटोमेशन क्या है, कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक होगा, आप जाके उसको चेक करिए एक बार। वहां पे आपको बताया गया कि कैसे ऑटोमेशन से भी बिजनेस चलता है, ठीक है? तो वहां पे जाके लिंक पे क्लिक करिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑटोमेशन। सो थैंक यू सो मच प्रिया केशरी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस लाइव इंटरव्यू। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय। थैंक यू सर।